बात करेंगे कांग्रेस ने आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, क्या ये कांग्रेस का सियासी ब्लंडर है जिस पर सियासी बवंडर मचा हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको देने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे कि आखिर कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है और इस फैसले का क्या अंजाम कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी। भगवान श्री राम पर जो सियासी तकरार है वो लगातार जारी है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सियासत हो रही है, देश सवाल पूछ रहा है, श्रीराम सबके हैं, फिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। जिसे राम से है प्यार वो प्राण प्रतिष्ठा के न्योते से कैसे कर सकता है इनकार। 22 जनवरी को 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है, लेकिन कांग्रेस ने इस समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। न्योता ठुकराने पर कांग्रेस सवालों के घेरे में है और खुद कांग्रेस के अंदर से बगावत की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कई बड़े नेताओं ने हाईकमान के फैसले पर सवाल उठा दिया है, यहां तक कि कई ऐसे नेता हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजामंदी भर चुके हैं यानी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। अब कांग्रेस ने जो चिट्ठी जारी की है उसमें प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के पीछे वजह बताई है। पहले वो चिट्ठी आपको दिखाते हैं, उसके बाद उस चिट्ठी के मायने भी आपको समझाएंगे। दरअसल चिट्ठी में लिखा है कि मंदिर अर्ध निर्मित है, ये वो चिट्ठी है जो कि जयराम रमेश की तरफ से जारी की गई है और इस चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि ये मंदिर अर्ध निर्मित मंदिर है, इसका उद्घाटन हो रहा है, इसीलिए बीजेपी के इस कार्यक्रम में कांग्रेस शामिल नहीं होना चाहती है। एक और लाइन जो चिट्ठी में लिखी गई है वो ये कि धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, यानी कांग्रेस ये मानती है कि धर्म व्यक्तिगत विषय है, राम में आस्था व्यक्तिगत विषय है, इसे ऐसे उजागर करना ठीक नहीं है, इसीलिए आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन करके केवल चुनावी फायदा लेना चाहती है, केवल चुनावी लाभ उठाने जा रही है। कांग्रेस हालांकि इस लेटर में यह भी बता रही है कि यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ये नहीं बता पा रही कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कांग्रेस क्यों खुद ब खुद बीजेपी से जोड़कर देख रही है और क्यों ये बताने की कोशिश कर रही है कि यह बीजेपी का कार्यक्रम है। अब कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया है, इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई है। पहली वजह यह कि मंदिर आधा अधूरा बना है, इस मंदिर के उद्घाटन में बीजेपी जल्दबाजी कर रही है, यह इवेंट है बीजेपी और आरएसएस का। आप सोचिए, जिस राम मंदिर से पूरे हिंदुस्तान की आस्था जुड़ी हुई है उसी राम मंदिर के उद्घाटन को कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर इस कार्यक्रम का भी बहिष्कार कर रही है। जो दूसरी वजह कांग्रेस ने बताई है वो ये कि शंकराचार्य इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हिंदू धर्म में जो सर्वोच्च पीठ है शंकराचार्य वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने जा रही है। जब हमारे धर्मगुरु ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे इस आयोजन को पूरी तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का नेता बना दिया है, जब शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं हम लोग क्यों जाएं। बात वही है, हमें दृढ़ता से हमारे देश जो सनातनी परंपराएं चली आ रही है, जो वैदिक परंपराएं चली जा रही है, जो हमारे धर्मगुरु का अपमान किया जा रहा है और धर्मगुरु को आपस में लड़ाया जा रहा है, रावण ने संप्रदाय से शंकराचार्य जी को लड़ाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो भाई उद्घाटन किस बात का हो रहा है। जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो बीच में क्यों किया जा रहा है। अरे मंदिर का उद्घाटन कराने चाहते थे आप, प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे तो फिर रामनवमी पर क्यों नहीं करा रहे हैं। अब जिस दिन राम भगवान राम का जन्म हुआ है उस दिन आप क्यों नहीं करा रहे हैं। इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है। लोकसभा का 2024 का चुनाव का लक्ष्य है, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक
सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये दो बयान आपने कांग्रेस के नेताओं के सुने। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में हिस्सा ना बनने के पीछे की वजह यह है क्योंकि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। वहीं हिमाचल के नेता ये कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में हिस्सा बनना, ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा बनना ये गर्व की बात है। अब आइए आपको ये समझाते हैं कि दिग्विजय सिंह ने आखिर ये बयान क्यों दिया। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से देश के सभी शंकराचार्यों ने दूरी बना ली है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का कहना है कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति का लोकार्पण करेंगे, उसे स्पर्श करेंगे, मैं वहां ताली बजाकर जय जय करूंगा। आया था एक व्यक्ति साथ ला सकते इसी को लेकर के क्या है? इसी को लेकर मैं कोई नाराज नहीं होता। मेरी आप अच्छा महाराज जी, अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत, उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा। महाराज जी, इससे जो संत समाज है या जो सनातन धर्मी है इनमें कोई मनमुटाव तो नहीं हुआ कि आप नहीं जा रहे हैं, धर्मगुरु नहीं पहुँच रहे हैं इस कार्यक्रम में? धर्मगुरु नहीं पहुँच रहे हैं तो सबको पता ही है, कार्यक्रम जो है भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं, मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ न करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो। यातायात जो है लौकिक नियम है ना, विधि निषेध, उसका पालन करने पर गंतव्य तक व्यक्ति पहुंचता है। इसी प्रकार शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी करना चाहिए। या आधा तीतर आधा बटेर कहावत चरितार्थ न हो। महाराज जी, जैसा आपने एक बार कहा था कि भारत जो हिंदू राष्ट्र है, कब तक संभव है? हिंदू राष्ट्र की ओर तो बहुत द्रुत गति से भारत चल ही रहा है। एशिया महाद्वीप भी हिंदू महाद्वीप होगा ही, पूरा विश्व हिंदुत्व के रंग में रंगेगा, क्योंकि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है और दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से परिपुष्ट है। तो आपने सुना शंकराचार्य को जो ये कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप दिया गया है, इसीलिए इस कार्यक्रम का हिस्सा वो नहीं बन रहे हैं। हालांकि जब किसी प्रकार की नाराजगी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी। अब कांग्रेस ने शंकराचार्यों को लेकर जो सवाल उठाए उसका जवाब विश्व हिंदू परिषद ने दिया। कांग्रेस के आरोपों पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इंडिया टीवी से कहा कि शंकराचार्य इस कार्यक्रम के विरोध में नहीं है, देश के तीन शंकराचार्यों ने विरोध नहीं किया है, दो शंकराचार्यों ने अपनी सुविधा के अनुसार अयोध्या आने की बात कही है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि न्योता सभी बड़े विपक्षी दलों को गया है, आना है नहीं आना है ये फैसला उनको करना है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए हजारों लोगों को आप लोगों ने निमंत्रित किया है, आमंत्रण दिया है। कांग्रेस के नेता नहीं आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये कार्यक्रम जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए वो लोग हिस्सा नहीं लेंगे। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? मैं कहूंगा कि जो आए उनका स्वागत है, जो नहीं आए वो उनकी इच्छा है। प्रयत्न किया कि पहले के भूल जाएं, प्रधानमंत्री को बुलाएं तो विपक्ष के नेता को भी बुलाएं, कांग्रेस अध्यक्ष को बुलाएं और भाजपा अध्यक्ष को बुलाएं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों को भी बुलाएं। ये आना ना आना उनकी इच्छा पर है, पर हमारी दृष्टि में तो ये कार्यक्रम संपूर्ण हिंदू समाज का है और इतने लंबे संघर्ष में इतने लोगों ने जो बलिदान दिए, गोली खाई,
कष्ट सही, वो सरकार बनाने के लिए नहीं थे, वो तो राम जी के लिए थे और वह लोग उसी भाव से अब भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता इस पे भी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर में कि राम मंदिर के नाम पे भी आप बांटने का काम कर रहे हैं, साधु संतों में भी शंकराचार्य जो हैं उनका अपमान किया जा रहा है इस मामले में। ऐसा किसी ऐसा तीन शंकराचार्यों ने तो नहीं कहा है और दो शंकराचार्यों ने तो के आश्रम से तो सार्वजनिक वक्तव्य आया है कि वो इस आयोजन का स्वागत करते हैं, वो मंदिर बनने का स्वागत करते हैं और वो अपनी सुविधा से इस मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। स्वामी पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी मंदिर बनने का स्वागत किया है, इसलिए ये कहना कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं ये तो गलत है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आपने आडवाणी जी को भी आमंत्रित किया है, आरएसएस प्रमुख को भी आमंत्रित किया है, क्या ये दोनों आ रहे हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं? जी दोनों आ रहे हैं, आडवाणी जी भी आ रहे हैं और सरसंघचालक जी भी आ रहे हैं। आडवाणी जी की हेल्थ कंडीशन को देख के ये एक सवाल बनता है कि अलग से व्यवस्था करनी पड़ी होगी उनको बुलाने के लिए। आडवाणी जी की आयु और अवस्था के कारण चंपत राय जी ने एक सहानुभूतिपूर्वक बात कही थी और हमको लगा कि आडवाणी नहीं आए तो कार्यक्रम कैसा होगा, तो जो भी व्यवस्थाएं चाहिए वो सब व्यवस्थाएं पूरी करने का हमने वचन दिया है और आडवाणी जी हम सबके बीच में उस दिन रहेंगे, इसका आनंद होगा। तो वीएचपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जा रही है, विपक्षी दलों को न्योता दिया गया था वो नहीं आ रहे, ये उनका अपना निजी विषय है। अब कांग्रेस ने जो बड़ी वजह शंकराचार्यों के ना आने की दी है, ये बहुत पहले शंकराचार्य बता चुके हैं, शंकराचार्य बहुत पहले ही कह चुके हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस को 20 दिन का समय लग गया, फिर भी कांग्रेस ने 20 दिन बाद ये तय किया कि उसे राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाना है, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना है। आपको यहां याद दिला दें कि 21 दिसंबर को ही सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता दे दिया गया था। 21 दिसंबर के बाद कल 10 जनवरी को कांग्रेस ने तय किया है कि 20 दिन बाद यह तय किया है कि वो राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अब कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला लिया है, इसके पीछे कई वजह समझी जा रही हैं। वजह यह कि कांग्रेस ये समझती है कि राम मंदिर का जो माइलेज है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसे हिंदू वोट्स बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, इसीलिए कांग्रेस अपने मुसलमान वोटों को, अल्पसंख्यक वोटों को अपने से अलग नहीं करना चाहती है, यानी 20% वोट को अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया है, ऐसा समझा जा रहा है। अब कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार हमला बोल रहे हैं, कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी के निशाने पर आ गई है। मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। लोग कह रहे हैं कि देश और दुनिया अयोध्या और भगवान श्री राम मय हो रहा है, लेकिन इसी बीच में अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्षा नहीं जा रही है प्राण प्रतिष्ठा में, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा रहे हैं, सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं और अधीर रंजन चौधरी नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। देखिए, वो अपने नहीं जाने के लिए जो बहाना लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन ये तो जनजन के हैं राम। शुभ उद्घाटन कौन किससे करवा रहे हैं न्यास? देश के प्रधानमंत्री जी से, जिनको दूसरी बार देश ने भारी बहुमत से चुना और तीसरी बार चुनने के लिए तन मन धन से तैयार है। अगर उनको इस बात का दुख है कि चुना हुआ प्रधानमंत्री क्यों शुभ उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और राम सिर्फ भाजपा के या आरएसएस के नहीं है, राम तो जनजन के हैं भैया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरा एक गीत आने वाला है, मैं आपसे आज शेयर करूंगा, सबके साथ शेयर करूंगा कि मां शबरी की प्रबल प्रतीक्षा मर्यादा के धाम, जन जन के है राम, 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 हृदय से आके अयोध्या देखो मिलता है आराम, जन जन के है राम, जन जन के है राम।
बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर है। कांग्रेस के अपने अंदर से हाईकमान पर फैसले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस फैसले को जो सियासी जानकार हैं वो इस तरीके से भी देखते हैं कि कांग्रेस दक्षिण में अपना नुकसान नहीं करना चाहती है, दरअसल दक्षिण नेताओं की चली है और इसीलिए कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला लिया है। सिर्फ सियासी गलियारे में इसकी चर्चा नहीं है, बल्कि साधु संत भी अब कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कांग्रेस के न्योता ठुकराने पर हमला बोला है। आचार्य जी, कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो इस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। भाई, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की है, रामलला की है, और उस कांग्रेस पार्टी पहले सत्ता में आई, स्वतंत्र जब देश हमारा हुआ, वो चाहती उसी समय इस समस्या का समाधान कर देती और राम मंदिर बन जाता, लेकिन उसने लटकाए रहा और नहीं किया कुछ। बाद में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो उसका जिज्ञासा हुई और कहा कि भाई राम, हमारे प्रभु राम की जो जन्मभूमि है, इसमें पहले तो समझौता की बात चली, फिर अंत में क्या हुआ कि ढांचा भी गिर गया और उसके बाद में यह सरकार ने आज स्वयं प्रधानमंत्री शिला पूजन, भूमि पूजन किए, जहां पर आज भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है। तो कांग्रेस इसे धर्म को लेकर निजी विषय बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक मान्यता किसी भी व्यक्ति का निजी विषय होता है, लेकिन सवाल यह है कि वही कांग्रेस के नेता जब मंदिर जाते हैं और चुनावों से ठीक पहले मंदिरों का रुख करते हैं, उस वक्त धर्म निजी विषय क्यों नहीं रह जाता है। कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया, जाहिर सी बात है बीजेपी के तमाम नेता हमलावर है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस हिंदू और सनातन विरोधी है, कांग्रेस ने अपने पाप धोने का भी मौका गंवा दिया है। जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है। तो कांग्रेस ने 20 दिन बाद अपनी वही लाइन तय की है जो इंडिया गठबंधन के बाकी दल कहते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लालू और नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साध रखी है, लेकिन आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। फतेह बहादुर ने 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए और कहा कि कहा जा रहा है भगवान राम को प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसमें प्राण डाले जाएंगे, तो क्या अभी तक भगवान राम बिना प्राण के थे? फतेह बहादुर को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज ने कहा कि लालू का कुनबा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझ ही नहीं पाएगा। पूरे देश में अंधविश्वास फैला के रखे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा, राम में प्राण डाला जाएगा। इतने दिन से राम बिना प्राण के थे क्या? उनके अंदर प्राण नहीं था क्या? और जब 22 तारीख को प्राण डाला जाएगा तो प्राण डालने वाले कौन है? ये लोग जाएंगे फुलवाड़ी में, माथा पर लेकर के फुलवाड़ी शरीफ में जाकर के जाएंगे, घुटना टेकेंगे, चादर पहनाएंगे, ओढ़ाएंगे और लगेगा कि शेख यही लोग हो गए हैं, अरब का शेख। मोदी जी अरब में जाके मंदिर बनवा रहे हैं, ये चादर ओढ़ करके, चादर दे के अपने को मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं लालू जी, नीतीश जी। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अब आरजेडी के जो विधायक हैं वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के विधायक हैं, अब उन्होंने एक नया बयान ये दिया है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या अब तक भगवान राम में प्राण नहीं था? देखिए, लालू जी को ये समझ में नहीं आएगा, लालू जी के कुनमा को समझ में नहीं आएगा। जो सनातन को नहीं समझा उसके प्रश्न पर जवाब देना मूर्खता है।